भागवत कथा महोत्सव के चौथे दिन भी अतिथियों के पहुंचने का सिलसिला जारी रहा। सभी ने शांतिदूत देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज का आशीर्वाद लिया। अतिथियों ने महाआरती में भी हिस्सा लिया और दबंग दुनिया समूह को इस आयोजन के लिए शुभकामनाएं भी दी। इंदौर के दशहरा मैदान में चल रही भागवत कथा महोत्सव में शनिवार को गणमान्य जनों ने देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज का आशीर्वाद लिया। कार्यक्रम में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष नंद कुमार सिंह चौहान भी देवकीनंदन महाराज का आशीर्वाद लेने पहुंचे। दो मिनट और दे दें, खड़े नहीं हो, क्योंकि आप यदि खड़े होते हैं तो और भी लोग खड़े होते हैं। आपसे सबसे दीपक उड़ाना जी दबंग दुनिया के। बीजेपी अध्यक्ष नंद कुमार सिंह चौहान ने कहा कि संसार में सभी दुखों का निवारण सिर्फ और सिर्फ भागवत से ही हो सकता है। साथ ही उन्होंने कहा कि आज के समय में समाज में विकृति पैदा करने के कई संसाधन हैं और भागवत कथा इन विकृतियों को दूर कर देती है। वहीं बीजेपी अध्यक्ष ने इस आयोजन के लिए दबंग दुनिया समूह के चेयरमैन किशोर वाधवानी को भी बधाई दी। तो संस्कार देने के साधन और संसाधन जो सीमित बचे हैं उसमें भागवत कथा, राम कथा ऐसे आयोजनों से ही हमारे वो संस्कार समाज में जीवित रखने का काम, ये पुण्य कार्य ऐसे महात्मा लोग कर रहे हैं, उनके चरणों में मैं वंदन करता हूं और परमात्मा से ये प्रार्थना करता हूं कि हमारी संस्कृति और हमारे संस्कारों को जीवित रखने का जो पुनीत कार्य ऐसे महान लोग कर रहे हैं, समाज इसके साथ जुड़े। आज मन को मैला करने के अनेक माध्यम हैं और मन मैला होता है, तन मैला होता है, वस्त्र मैले होते हैं, यदि कपड़े मैले हुए तो साबुन से साफ हो जाते हैं, तन मैला हुआ तो वो भी साबुन से साफ होता है, लेकिन यदि मन मैला हुआ तो उसको साफ करने की एकमात्र बूटी है, वो है भागवत कथा, राम कथा। मैं आयोजकों को जिन्होंने ये अवसर प्रदान किया उनको तो ये पुण्य लाभ मिलेगा ही, गुरुदेव जो कथा सुना रहे हैं उनको भी पुण्य लाभ मिलेगा, लेकिन जो सुनने आए हैं मन से सबसे अधिक लाभ उनको मिलेगा। मैं प्रभु के चरणों में वंदन करते हुए अपने वाणी को विराम देता हूं। इस मौके पर पहुंचे युवा नेता आकाश विजय वर्गीय ने भी भागवत कथा के आयोजन को लेकर दबंग दुनिया समूह की सराहना की। परम पूज्य गुरु जी के चरणों में प्रणाम करता हूं। मैं परम आदरणीय किशोर वाधवानी जी और पूरे दबंग दुनिया समूह को बधाई शुभकामनाएं देता हूँ अपनी ओर से भी, और मेरे पिताजी माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी की ओर से भी। उनका भी आने का था मगर कुछ व्यस्तता की वजह से अंकल की बात हुई है कि कुछ एक दो दिन में वो हमारे बीच में होंगे। और भक्ति रस का जैसा यहाँ पर माहौल देखा परम पूज्य गुरु जी के आशीर्वाद से निसंदेह सौभाग्य से ही ऐसा माहौल देखने को मिलता है। मैं एक बार पुनः परम पूज्य गुरु जी एवं आप सभी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। आप सभी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। इसी के साथ भागवत कथा में समाज जनों के साथ कई अधिकारियों और नेताओं ने भी शिरकत की। कथा में बीजेपी के नगर अध्यक्ष कैलाश शर्मा, आईडीए अध्यक्ष शंकर लालवानी, आईडीए सीईओ राकेश सिंह, पूर्व विधायक तुलसी सिलावट, युवा नेता आकाश विजय वर्गीय, पार्षद गोपाल मालू, कांग्रेस नेता दीपू यादव सहित उज्जैन से पधारे संत भी शामिल हुए। इसके साथ ही महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष शोभा ओझा और कांग्रेस की वरिष्ठ नेत्री अर्चना जायसवाल भी मौजूद रही। प्राकट्य महोत्सव के साथ देवकी और वसुदेव की आठवीं संतान के रूप में श्री कृष्ण जन्मोत्सव का आनंद यहां पहुंचे सभी मनोभवों ने लिया। इसी के साथ अतिथियों ने भागवत महाआरती में भी भाग लिया।
भागवत कथा में दिनों दिन भक्तों पर भी श्री कृष्ण की लीलाओं का रंग चढ़ता ही जा रहा है और भक्त बड़ी संख्या में यहाँ पहुँच रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टी लाइव न्यूज, इंदौर।